मुंबई से है, एसएमएस के जरिए दीपक कुमार जी का प्रश्न है, होम लोन पर है। इन्होंने मेंशन किया है कि मर्चेंट नेवी में है और इनकी जो मंथली इनकम 60,000 और साथ ही इनको 15 लाख का ये होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनसे हम बात कर पाते तो और बेहतर, लेकिन जो ये प्रश्न जो सीमित हमारे समक्ष है, इसमें आप कैसे देखते हैं? ये तो काफी ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है। ब्याज दरों को लेकर जिस तरह से माना जा रहा है कि इस साल अब थोड़ी नरमी रहेगी, जो इंटरेक्शन हुआ एफएम का भी इंडस्ट्री के साथ पोस्ट बजट, उसमें भी उन्होंने भी इंडिकेशंस दिए हैं कि इसमें आगे चलते हुए नरमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बीच में आप इनको किस तरह से राय देंगे और कैसे देखना चाहिए जनरली जो इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी, जो 40-50% तक जनरली बैंक्स देखते हैं ईएमआईस को? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, दीपक जी का जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से उनको 60,000 की इनकम है तो 22 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, परंतु अगर लोन 20 लाख से कम का लेते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90% तक भी बैंक लैंड कर सकता है, परंतु अगर लोन की अमाउंट 20 लाख से ऊपर चली जाती है तो 80% ही फाइनेंस होता है। और अभी आरबीआई का जो नया डायरेक्शन आया है उसमें जब बैंक फाइनेंस करेगी तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये 20% के अलावा जो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट उनको खुद के पॉकेट में से करना पड़ेगा। और मेरा सजेशन है कि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने भी बताया कि अभी सॉफन हो गए होने वाली है, एटलीस्ट पिक तक पे तो पहुंच गई, आरबीआई ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि अभी रेट बढ़ेगी नहीं, तो उनको फिक्स रेट ऑफ का प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेना चाहिए, जो फ्लोटिंग रेट का प्रोडक्ट है वो लेना चाहिए, जिससे क्या है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी तो उनकी भी जो इफेक्टिव एप्लीकेबल रेट है वो कम हो जाएगी। जी,